बात हम कर रहे हैं एफएनओ की, लेकिन अब कुछ मिड कैप आइडियाज, क्योंकि बाजार पे जो पकड़ है वो इस समय छोटे मझौले शेयर्स की ज्यादा है, उसी पे बात करने के लिए दीपाली मेरे सीईओ के मेरे साथ मौजूद है। दीपाली, बताएं एकदम से प्राइस एस्केलेशन कौन से स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है? तीन स्टॉक्स पिक किए हैं रजत। पहला स्टॉक है ओम मेटल्स का। शॉर्ट टर्म चार्ट पर स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 4% ज्यादा की गेंस लेकर ऑलरेडी ये शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन इस तरह से और स्ट्रेंथ ही गेन कर सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स अभी शुरुआती वॉल्यूम्स जो है वो भी ठीक ठाक है। 10,000 के आसपास के शेयरों का अब तक कामकाज हुआ है, दिहाई पर ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है, लेकिन यहाँ से स्ट्रेंथ गेन करने की प्रोबेबिलिटी स्टॉक की काफी हाई लग रही है। तो ओम मेटल एक पहला स्टॉक होगा जिसमें रिमेनिंग सेशन और अगले कुछ सेशन के लिहाज से देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है मार्क्सन्स फार्मा का। आप देखिए एकाएक सडन स्पाइक स्टॉक में आया है जिसके बाद अभी 9-10% के गेंस लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, 44.5। ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर इसे ये स्टॉक क्रॉस करता है तो स्ट्रेंथ और आ सकती है शेयर में, तो नजर रख सकते हैं क्योंकि बीते 11 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। अभी भी 7.5% ऊपर है, लेकिन अभी भी 10% तक के हाइज भी स्टॉक ने टच किए थे। और जो तीसरा शेयर रहेगा आज वो रहेगा सांघवी फोर्जिंग का। आप देखिए ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स ऑलरेडी बायर्स के रडार पर है, ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा लग रहा है, डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और 100 डेमा का जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर अभी भी ये बना हुआ है, तो परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ यहां से आ सकती है और स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकता है। 4-4.5% गेंस ऑलरेडी स्टॉक में देखे जा रहे हैं और डीआई पर ट्रेड कर रहा है। तो ओम मेटल्स, मार्क्सन्स फार्मा और सांघवी फोर्जिंग, ये तीन शेयर्स रहेंगे। चलिए, सांघवी फोर्जिंग, ओम मेटल्स और मार्क्सन्स फार्मा तीनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दीपाली सूची में कुछ और नाम शामिल कर दूं क्योंकि मैं बात जो कर रहा था कि छोटे मझौले शेयर्स की इसमें ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। उसमें पहला स्टॉक है एमको जिस पे अच्छी खरीदारी हो रही है, ईएमसीओ। इनफैक्ट ये पिछले कुछ 10 मिनट में एकदम से निचले स्तरों से तेज हुआ और ये 20% ऊपर आ गया दिन के उच्चतम स्तर पे। और साथ ही साथ एक और स्टॉक है पिरामल फाइटोकेयर जिसमें आज खरीदारी जोरदार तरीके से देखने को मिली। आप ये देखिए कि इस समय तेजी नॉन इंडेक्स स्टॉक्स में और खासतौर से छोटे मझौले स्टॉक्स में किस तरीके की देखने को मिल रही है। जोरदार स्ट्रेंथ 10% ऊपर और मॉर्पेन लैब्स एक और स्टॉक जहां पर इस समय कारोबार स्ट्रांग है और 10-11% का मूव मॉर्पेन लैब्स में भी देखने को मिल रहा है। तो सभी स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। नितिन मुरारका जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल से। नितिन, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सब बाजार आज बिल्कुल एक स्टैटिक मूवमेंट में है, लेकिन कौन सा स्टॉक ऑप्शन या फिर इंडेक्स ऑप्शन चुनेंगे आप? देखिए रजत, दो दिन से साइडवेज मूवमेंट है, कल भी और आज भी, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी अप ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है इसमें आपको ऑप्शन खरीदना चाहिए निफ्टी की। और निफ्टी अभी 89 की जो कॉल ऑप्शन है वो 65 के आसपास ट्रेड हो रही है। इसमें मैं 60 रुपए के आसपास बिड लगा के लेना चाहूंगा क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी 10-15 पॉइंट एक बार नीचे आएगी। जहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का वो करीब 87-80 के आसपास फ्यूचर लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट आ रहा है, तो 60 रुपए में लेंगे, 40 का स्टॉप लॉस होगा और करीब टारगेट 90-100 रुपीज का नेक्स्ट वीक तक हो सकता है। चलिए राइट सर, आप भी मार्केट्स पे तेजी समझ रहे हैं कि आती हुई नजर आएगी। 8900 की कॉल जो 60 रुपए के आसपास ले ले, अभी थोड़ा ऊपर मिल रही है लेकिन एक डिप में खरीदें 60 रुपए के आसपास, 40 का एक स्टॉप लॉस और 100 रुपए तक के टारगेट्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में जाएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी, आपके रडार पर बताएं कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है? देखिए, पहला तो यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा, मैकडॉल एक अच्छे में लॉन्ग पोजीशंस बनी, थोड़ा कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत एक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन 2300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 2400 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं 2 या 3 दिनों में। लुपिन एक अच्छा लगा, निचले स्तरों पे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, कवरिंग के बाद बाइंग काफ़ी अच्छा एक डेटा पॉइंट है। और ये लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं, 1500 जो लेवल सस्टेन अगर हो जाता है, मुझे लगता है आपको यहाँ से 100 रुपये तक भी लेवल्स मिल सकते हैं, तो 1600 का लक्ष्य होगा, 1495 का छोटा स्टॉप लॉस होगा। और आईबुल एक रियल स्टेट थोड़ा वीक लग रहा है, तो 79.5 के नीचे आप बेचें, इसमें कंसेशन शॉर्ट्स बने हैं, इसके नीचे अच्छा ब्रेकडाउन भी है, तो 81 के स्टॉप लॉस आप वो सेल कर सकते हैं, 74 का टारगेट। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सेल, ल्यूपिन और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बाय कॉल एलकेपी सिक्योरिटीज के। बहुत शुक्रिया गौरव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 8774 के लेवल पे है निफ्टी, बिल्कुल आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल